अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो मैं अभी आया हूँ अमेरिका के एक गांव में, और यहाँ पर गांव में जो फार्म हाउस होता है उसकी अपनी एक सुंदरता होती है यहाँ के फाल के मौसम में, मतलब पतझड़ के मौसम में, जब सब तरफ रंगीन पेड़ पौधे हो। और यहाँ पर के जो फार्म हाउस होते हैं उसमें ट्रैक्टर वगैरह कुछ कुछ हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ पर एक हैंसन फार्म हाउस है, बॉस्टन शहर से आधा घंटे की दूरी पर ही है, यहाँ पर नेटवर्क वगैरह भी नहीं रहता है फ़ोन का, और वो लोग हमको ट्रैक्टर में ले जाएंगे पूरा जो फार्म हाउस है वो दिखाने। तो यहाँ का अमेरिका का जो फार्म हाउस होता है और यहाँ पर किस तरीके की खेती होती है वो सब आज के इस वीडियो में यहाँ के जो लोग होते हैं जो काम करते हैं उनके साथ भी थोड़ा सा गपशप करेंगे। तो वीडियो में यहाँ के अमेरिका के फार्म हाउस को देखने के लिए बने रहना। ऐसे ही शहर से थोड़ा बाहर जाओगे तो यहाँ पर अमेरिका में ये खासियत होती है कि आपको सब तरफ जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़ मिलेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर पतझड़ का मौसम आता है तो रंग बिरंगे पेड़ तो दिखते ही हैं, लेकिन अभी पतझड़ अपने कगार पर है। पतझड़ का अंत होने वाला है, लेकिन पतझड़ के अंत होते ही होता है शुरू विंटर। विंटर कहीं कहीं पर शुरू हो चुका है, तो हमने सोचा कि विंटर शुरू होने से पहले क्यों ना एक फार्म हाउस की यात्रा की जाए, और वहाँ पर कुछ अनोखी चीज़ें, डरावनी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। वीडियो में आप बने रहना। जैसे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ बिना पत्तों के हैं, तो ऐसे ही अभी मौसम यहाँ पर हो रहा है। तो जैसे ही फार्म हाउस पहुँचे तो यहाँ पर आपको चेक इन करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। दो लड़कियाँ थी जो टिकट काट रही थी, टिकट कटाने के बाद आपको यहाँ पर ट्रैक्टर की सफारी के लिए तैयार हो जाना होता है। ट्रैक्टर पहले से तैयार था, हमारे गाँव में तो ऐसे ट्रैक्टर हुआ करता था। और ट्रैक्टर वाला भाई साहब बीच खेत के रास्ते से होकर जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इस फार्म हाउस में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको 12 महीने एक तरीके से प्लांट्स मिलेंगे, फसल मिलेंगे, क्योंकि इनके पास इस तरीके की सुविधा होती है। और कुछ ट्रैक्टर्स हैं। I looked up things to do this weekend. You wanna talk about किराया लगा? किराया $10 का एक बड़े अडल्ट का, $5 बच्चे का। $10 में वो है कॉर्न चक्रव्यूह, आई डोंट नो हिंदी में, और एक सनफ्लावर का चक्रव्यूह है, और उसमें वो भी देंगे, ये राइड दे रहे हैं, और पम्पकिन एक फ्री मिलने वाला है। अच्छा, और फिर एक हाँ नहीं खाओ ले जाओ जो करना है करो। तो हमारा दोस्त जैसे कि बता रहा था एक एडल्ट का $10 लगता है यहाँ फार्म हाउस के अंदर ट्रैक्टर में बैठ कर घूमने के लिए। और थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर वाले भाई साहब ने हमको उस जगह पर पहुंचा दिया जहां पर पहुंचने के बाद आपको एक अनोखा खेल खेलना पड़ता है। उस खेल का हिस्सा बने रहने के लिए अभी आपको बने रहना होगा वीडियो में। वहां से यहां लाने में 10 मिनट लगा होगा, 10 मिनट ट्रैक्टर में ला के आपको इधर छोड़ देता है, फिर आप इधर एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हमको छोड़ने के बाद ट्रैक्टर वाला भाई साहब किसी दूसरे सवारी को लेने चला गया। वहाँ यहाँ ला के छोड़ा है, और यहाँ पर फिर बहुत सारा सूर्यमुखी का खेत है, खेती करते हैं लोग, बेचते होंगे उसको। और यहाँ पर आने के लिए आपको ट्रैक्टर राइड को जोड़ करके, और एक कद्दू भी फ्री में मिलता है खाने के लिए, उसको जोड़ के $10 एक एडल्ट का लगता है, तकरीबन 1200 से 1500 रुपये का। और यहाँ पर चारों तरफ और बहुत सारे बैगन के, टमाटर के खेती भी थे। उसी ने खोजा था इसको, फार्म को। तो यहाँ पर छुपने छिपाने का खेल होने वाला है। सर सभी लीड कर रही है, इंटर इफ यू डेयर, देखते हैं वापस यहाँ पाते हैं कि नहीं। और अभी वो डरावना खेल शुरू होगा। कॉर्न के खेत का ये जाल साज है, इसमें इसी में आने के लिए लोग पैसा देते हैं। आपको इधर उधर घूमना रहता है, छिपना पड़ता है, और फिर खोजते हैं दूसरा जो पार्टनर होता है। तो सर सभी और काशिफ उधर हैं, कहाँ पर है नहीं पता, देख सकते हैं उनको वैसे। तो ये भुट्टे के खेत का बना हुआ बहुत बड़ा खेत होता है, तो लोग इस खेल को खेलने के लिए पैसा देते हैं। आपको अंदर में घुसना होता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं पता होता है। इसके ऊपर बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म भी बने हैं कि लोग इसमें अंदर में डर कर मर भी जाते हैं। कई चीज़ें डरावने डरावने लोग भी मिलेंगे तुमको अंदर में डराने के लिए, लेकिन कितना डर पाते हो
यही हिम्मत का खेल है। आपने खेला अपने गांव में ऐसे नहीं। कल से मैं आज कैमरामैन बनी हुई है, सारा जो कैमराग्राफी है आज का कल से उसके द्वारा होगा। हो सकता है कि आप डर के मारे वहीं पर बेहोश भी हो जाएं, उसके लिए भी व्यवस्था होती है। कुछ भी चीज़ अंदर में जो दिखेगा आपको, वो एक तरीके से उस माहौल को डरावना बनाने के लिए ही होता है। तो इस खेल का अपना एक अलग मजा है। डर और शोर के बीच में कुछ शांति भी है। इस शांति से अगर आप बाहर निकल गए तो आपको फार्म हाउस से कुछ और देखने को भी मिलेगा। इस फार्म हाउस के अंदर जैसे कि बहुत बड़ा फार्म हाउस है, अलग अलग साइज़ के होते हैं, उसमें अलग अलग खेती होती है, अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं। सुअर है जो कि यहाँ पर, उसकी भी खेती होती है एक तरीके से। उसका मांस यहाँ पर बिकता है। यहाँ के जो फार्म हाउस होते हैं उसमें जाकर आप कभी भी पूरे फार्म हाउस का दौरा कर सकते हैं, कभी कभी फ्री में, कभी कभी पैसा देकर। यहाँ पर बहुत सारे काम करने वाले मजदूर भी होते हैं जो अलग अलग प्लांट्स को उनका देखभाल करते हैं और उनको बेचा भी जाता है। चूँकि अभी कद्दू का सीज़न है तो कद्दू भी यहाँ पर खूब बिकता है। आपके गांव में अभी कद्दू का क्या रेट है ज़रूर बताना। और कद्दू का रेट बताते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। इंस्टाग्राम और ईमेल में कुछ भी सवाल हो तो पूछते जाना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में दोस्तों, अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया और जोहार। Just